हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो नए हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम। सब लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट राजा के जैसा करना चाहिए, किंग के जैसा करना चाहिए, तो आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे एक राजा के जैसा। आज हम बनाएंगे चिकन स्टिक और मैश पोटैटो। चिकन स्टिक चिकन ब्रेस्ट का बनेगा और इसके साथ खाएंगे हम सौते ब्रॉकली, मशरूम एंड मटर। और इसको मैं बनाने वाली हूँ लेमन जिंजर और हनी में। मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कुछ रेसिपी बनाने के लिए, उनमें से एक रेसिपी आज हम बनाएंगे। एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे अपने डेली लाइफ में जो कुक करती हूँ, जो बनाती हूँ खाना, वो मैं रोज़ का अपडेट करती रहती हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम बनाएंगे यमी हेल्दी एंड बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट। चले लेट्स गो। ये मेरा एग बॉयलर है, इसमें बहुत ईजली एग बॉयल हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 4 एग बॉयल कर रही हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और ये स्विच ऑन कर दिया। ये ऑटो कट ऑफ हो जाएगा जब एग बॉयल हो जाएगा। मिनी भी पास में बैठी हुई है, एग बॉयल होते हुए देख रही है। सो क्यूट। एग बॉयल होने को रख दिया है, अभी हम ब्रोकली कट कर लेते हैं। ब्रोकली को बॉईल करने से पहले बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा पानी से, फिर उसको नमक के पानी में बॉईल कर दीजिएगा। ये डाल दिया है ब्रोकली, ये बॉईल हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी मैं जिंजर को पील कर रही हूँ। पतले पतले लंबे लंबे पीसेस में इसको कट करूँगी ताकि जिसको पसंद है वो खा सकते हैं, जिनको नहीं पसंद है वो निकाल सकते हैं। थोड़े से लहसुन यहाँ पे चॉप कर रही हूँ। ये मेरा रेडी है जिंजर एंड गार्लिक। यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कितना कितना ग्राम चिकन है हमारा। मैंने 450 ग्राम ऑर्डर करा है, ये चिकन मैंने 450 ग्राम ऑर्डर करा था, 460 ग्राम है। मिनी यहाँ पे बहुत तंग करी, मिनी को खिलाना पड़ेगा, वैसे भी 10 ग्राम मिनी का है, तो पहले मिनी को खिला लेते हैं हम। मेजर भी आ गया, ओहो हो, म्याओं म्याओं करते हुए। वॉश कर लिया मैंने चिकन ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से। एक्स्ट्रा वाटर जो है इसको मैं टिश्यू से हटा रही हूँ। ये मैं फॉक से होल कर रही हूँ, मेरे को ये इजी लगता है करना। अगर आपके पास हैमर है तो आप हैमर का भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा डार्क सोया सॉस ले रही हूँ, अराउंड 1.5 स्पून। 2 स्पून केचप लिया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैंने पहले से बना रखा था, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट यहाँ पे अभी ऐड करा है, और हनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 टेबलस्पून हनी लिया है मैंने यहाँ पे। और ये एडिशनल है, ऑर्गेनो मैं ऐड कर रही हूँ, और चिली फ्लेक्स भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है। मैं यहाँ पे पीरी पीरी ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स की जगह पे। नींबू का रस ऐड करा है यहाँ पे, और फिर अच्छे से सबको मिला लेना है। आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है चिकन ब्रेस्ट को इस सॉस के साथ में। हाफ एन आवर के बाद फिर हम इसको बनाएंगे। आप इसको 1 से 2 घंटे भी मैरिनेट करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तब तक हम ब्रोकली बना लेते हैं। ये लहसुन मैंने थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाला है पूरे पैन में, ताकि थोड़ा फ्लेवर आ जाए इसका पैन में। लहसुन पक गया है, ओवर कुक ना हो जाए इसलिए मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। थोड़ा सा पीनट ऐड करना है टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए।
ऑप्शनल है, मटर मशरूम डालेंगे, मशरूम को थोड़ा सा पकने तक इसको चलाना है, पकाना है हल्का सा, थोड़ा सा ढक दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। जो जिंजर हमने कट करा था वही ऐड करा है, थोड़ा मिला लेते हैं फिर ढक देते हैं। अभी इधर हम मैश पोटैटो रेडी करेंगे दूसरे वाले चूल्हे पे। बटर डाला है, दूध ऐड कर रही हूँ, ये बॉइल्ड पोटैटो है जो मैंने पहले से ही मैश कर रखा था, इसको भी ऐड करना है दूध में। ये मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से, पूरे अच्छे से आलू और दूध मिल जाना चाहिए। थोड़ा चेक कर लेती हूँ हमारा मशरूम पका कि नहीं, थोड़ा सा बाकी है, ये थोड़ा मिला देते हैं हम इसको। बहुत अच्छे से मिलाना है, ये फिर से चेक करती हूँ, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें ब्रोकली ऐड कर देती हूँ जो हमने बॉईल करा था। ये अच्छे से मिला लिया है सबको, ब्रोकली मशरूम पीनट। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और लेमन जूस। और थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, ब्लैक पेपर ऐड कर रहा है, जो लहसुन हमने पहले निकाला था ना वही लहसुन ऐड कर रहा है। मैश पोटैटो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो ब्लैक पेपर एंड रोजमेरी डाल रही हूँ। रोजमेरी फ्लेवर के लिए है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड करो, नहीं तो नहीं करो। अच्छे से मिला लेना है, फिर गैस बंद कर दिया मैंने। मैश पोटैटो इज रेडी। यह मशरूम ब्रोकली हमारा रेडी है। अभी मैं फ्लेवर के लिए ऑर्गेनो मिक्स्ड हर्ब डाल रही हूँ। इसको डालने के बाद सिर्फ एक मिनट के लिए आपको गैस ऑन रखना है ताकि वो उसका फ्लेवर अच्छा आ जाए, स्मेल अच्छा आए, बस इसके लिए। अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है। ब्रेकफास्ट क्या होता है? ब्रेक द फास्ट, जो हमने रात में फास्टिंग करा था ना सो के, उसका फास्ट तोड़ेंगे हम। एक्चुअली आप ब्रेकफास्ट क्या खाना पसंद करोगे? जो हमारे डेली न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है उसको खाना पसंद करेंगे ना, क्योंकि हम रोज़ की लाइफ में हम दौड़ते रहते हैं, कभी ऑफिस के लिए, कभी साइट पे, कभी ट्रैवल करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें कि लंच का या फिर डिनर में हमें अच्छा ही खाना मिले, तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट अच्छा करते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे एक साल से तो कोरोना की वजह से बैठा हुआ हूँ, कहाँ भाग दौड़ आऊँ, लेकिन घर पे बैठे हुए रहने पे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हमें हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत होती है। और जब हमारी बॉडी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो क्योंकि हम लेज़ी हो जाते हैं ना, मैं भी वर्किंग हूँ, लेज़ी हो जाती हूँ, कभी मन करता है तो एक्सरसाइज कर लेती, कभी मन नहीं करता तो नहीं करती, लेट उठती हूँ, फिर लैपटॉप ऑन करके काम शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर जो हम डेली खा के निकल रहे हैं मॉर्निंग में, वो हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें।
ये पैन में मैंने बटर डाला है। अब हमारा लास्ट डिश बच गया है चिकन स्टिक, जो हमने मैरिनेट करने के लिए छोड़ा था। मैरिनेटेड चिकन ब्रेस्ट डाल रही हूँ। चिकन ब्रेस्ट में लो फैट होता है, हाई प्रोटीन होता है। तो फैट लो तो हर किसी को चाहिए होता है, और प्रोटीन हाई तो चाहिए ही होता है। और जिनको स्पेशली जिनको वेट लॉस करना होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। और चिकन ब्रेस्ट को कहा जाता है सबसे हेल्दीएस्ट पार्ट ऑफ द चिकन। वन साइड 6 to 8 मिनट्स अराउंड छोड़ने हैं मीडियम फ्लेम में, वो अच्छे से पक जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना चाकू से। ये जो हमने सॉस रेडी किया था ना, वही मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ। और हमारा ये चिकन स्टिक रेडी। ये देखिए चिकन के ऊपर कितना सुंदर सा ग्लेज आ रहा है, और एक भी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अच्छे से पके हुए चिकन स्टिक की निशानी ये है कि वो बहुत प्यार से कट हो जाता है। देखिए कितना ईजली कट हो रहा है। अब इतने अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाया है तो अच्छे से सजाना भी तो बनता है ना। और मेरी ना एक बीमारी है, जब तक खाना बहुत सुंदर दिखता नहीं है ना, सजा हुआ डेकोरेटिव, तब तक मेरे को अंदर जाता नहीं है। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी है। एग बॉईल हो गया, मशरूम ब्रोकली इज़ रेडी, चिकन स्टिक इज़ रेडी, मैश पोटैटो इज़ रेडी, और माई थाली इज़ ऑल्सो रेडी। चलो खाते हैं। ओहो आई कांट वेट। ये थाली में देखते ही लग रहा है ना कि ये एक बैलेंस्ड डाइट है, और हमारे न्यूट्रिशन को ये फुलफिल करेगा। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करो, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कैसा बना है आपका, कैसा टेस्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे डेली अपडेट का आते रहे। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक हेल्दी रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय बाय।